हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं एक और साउथ इंडियन रेसिपी, मैंगो पुलिहोरा। बहुत ही ज़्यादा यम्मी, खट्टा, चटपटा, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो इसके लिए मैंने लिया है कच्चा आम, यह है कच्चा आम। उसके अलावा यह है उड़द दाल, चना दाल, सरसों, जीरा, मूँगफली, काजू, हल्दी और थोड़ा सा हींग। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट है और सूखी लाल मिर्च, एक करिया पत्ती का स्ट्रिप, हरी मिर्च और धनिया पत्ती गार्निशिंग के लिए। उसके अलावा मैंने चावलों को पहले ही पका के रख लिया है, पका के मैं से ऐसे फैला के रखी हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। ये 250 ग्राम चावल है। सबसे पहले हम लोग आम को धो के छिलका उतार के खींच लेंगे। अभी मैंने आम को अच्छे से खींच लिया है, खिस कर अभी मैं इसको रख रही हूँ साइड में। अभी मैंने रखा एक पैन, अब इसमें डाल रही हूँ तेल। तेल मैं अराउंड 3 टेबलस्पून डाल रही हूँ। तेल हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना है इसमें। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ काजू। काजू मैं जस्ट गार्निशिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। तो काजू को मैंने फ्राई कर लिया, अब मैं इसको निकाल रही हूँ प्लेट में। अब सेम इसी पैन में मैं डाल रही हूँ तड़के की सारी चीज़ें। मैंने डाला है 1/2 टीस्पून चना दाल, 1/2 टीस्पून उड़द दाल, 2 टीस्पून मूंगफली। मूंगफली आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च डालने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ करिया पत्ती। करिया पत्ती डालने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों 1/2 टीस्पून, जीरा 1/2 टीस्पून, उसके बाद 1/4 टीस्पून हींग है। हींग डाल के मैं मिक्स कर रही हूँ। तड़के वाली चीज़ें आप आगे पीछे डाल सकते हैं, बट वन बाय वन हमको सारी चीज़ें डालना है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च और मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ खिसा हुआ मैंगो। मैंगो यहाँ पे आप चॉप करके भी डाल सकते हो, बट खिस के डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छे से आता है। और मैंगो की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि आपको ज़्यादा खट्टा चाहिए तो आप थोड़ा सा मैंगो बढ़ा सकते हो, अगर ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद है तो कम भी कर सकते हो। और मैंगो भी कोशिश करना है खट्टा ही लेना है, खट्टा लेने से टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी। हल्दी डालकर अब हम इसे तब तक भुनेंगे जब तक कि आम में से कच्चापन नहीं जाएगा। ये मैंगो पुलियोरा जैसे हम लोग लेमन राइस बनाते हैं या खट्टा चावल, उसी के जैसा इसका टेस्ट है। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसको आप बना के, मतलब इस मसाले को बना के आप फ्रिज में रख के 2-3 वीक्स तक भी यूज़ कर सकते हैं। और जब आपको राइस बनाना है तब ये डाल के थोड़ा सा राइस मिक्स करके आप इसे इंस्टेंट भी बना सकते हो। अभी मैंने इसमें डाला है नमक 1/2 टीस्पून। नमक डाल के इसे हम लोग थोड़ा सा और मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसको तब तक भुना जब तक कि साइड से तेल नहीं छूटता है। बस हमें ऐसे भुनना है, तभी आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अगर ज़्यादा अच्छे से नहीं भुनोगे तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पके हुए चावल। चावल को हमें अच्छे से पका के ठंडा कर लेना है, उसके बाद इसमें डालना है। आप चाहो तो लेफ्ट ओवर राइस का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने राइस डाला है। राइस डाल के इसको हम लोग एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे आप कहीं जर्नी में भी जा रहे हैं तो भी बना के ले जा सकते हैं। 2-3 दिन तक ये ख़राब भी नहीं होगा और खाने में तो टेस्टी है ही। आप इसे गर्म, ठंडा जैसा चाहे वैसा दे सकते हैं। अब मैं इसको एकदम ऊपर नीचे अच्छे से मिक्स करूँ ताकि मैंगो का मसाला राइस में अच्छे से मिक्स हो जाए। राइस आप ब्रेकफास्ट में दे सकते हो, लंच में दे सकते हो, डिनर में दे सकते हो। ये अपने आप में कंप्लीट मील है और इसका टेस्ट इतना अच्छा है कि बच्चे या बड़े एक बार खाएंगे तो बार बार मांगेंगे। अभी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे नमक चेक कर लेना, नमक कम लगेगा तो थोड़ा सा और नमक मिक्स करना। नमक डालने के बाद इसे थोड़ा और अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे कि मैंने बताया है ये राइस आप बनाने के बाद 2 दिन भी फ्रिज के बाहर रख के यूज़ कर सकते हैं। बट यही है कि जो हम लोग मैंगो का मिक्स बना रहे हैं उसको अच्छे से भुनना ज़रूरी है। अब हमारा राइस अच्छे से मिक्स हो गया है और सारी चीज़ें आपस में मिल गई है। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ बारीक कटा हरा धनिया और फ्राई किए हुए काजू। उसके बाद आप इसे चाहे ठंडा सर्व करो या गर्म, दोनों ही तरीके से इसका टेस्ट बहुत अच्छे से आता है। अब मैं इसे निकाल रही हूँ सर्विंग बाउल में। आप देख सकते हैं ये कितना खिला खिला बना है। अब आप भी ये टेस्टी, यम्मी, खट्टा, चटपटा मैंगो पुलियोरा ज़रूर बनाइए। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।